तो हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे नॉक नीज के बारे में, नॉक नीज के कॉजेज क्या होते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस और कुछ होम रेमेडीज जो आप घर पर करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले नॉक नीज होता क्या है, ये सिंपली जॉइनिंग ऑफ द नीज होता है, जब घुटने आपस में ज्वाइन करें। तो जब भी आप खड़े होते हो, जैसे इस फोटो में राइट साइड वाली जो नीज है वो दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, जब भी आप स्ट्रेट खड़े होंगे आपके पैर जुड़े होंगे और आपके जो नीज है वो बीच में से अगर टकरा रहे हैं, हड्डी मांस नहीं हड्डी टकरा रही है, तो आपके नॉक नीज होने के चांसेस हैं। तो पर इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ दौड़ने में आती है। तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है जो अपने आप ही ठीक हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंगली, पर जो अडल्ट्स हैं ये ज़्यादातर वुमेंस में ज़्यादा होता है, पर जो अडल्ट्स में होगा वो कुछ एक्सरसाइजेस करके प्रिकॉशंस लेके हम इसे अवॉइड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों जो मेन कारण होते हैं इसके वो होते हैं लाइक मेल न्यूट्रिशन, अगर हमारी डाइट में कोई कमी रहती है। और अगला कारण है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, मींस बोन्स का सूजना, जो भी ज़्यादा वर्कआउट या ज़्यादा कोई इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से होता है। और तीसरा आता है वीक मसल्स एंड लिगामेंट्स, जो कि फिर डाइट से ही रिलेटेड है और या फिर जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ होम रेमेडीज जिनकी वजह से हम अपने नॉक नीज को क्योर कर सकते हैं और घर पर बैठे बैठे विद इन अ वीक हम चेंजेस को देख सकते हैं। तो पहला जो क्योर है वो है एक्सरसाइज। हमें स्टार्टिंग करनी है एक लाइट वार्म अप से, जो हो सकता है लाइक 1 से 1.5 किलोमीटर तक दौड़ना और फिर 30 स्क्वाट्स करना। ये नॉर्मली बेसिकली ये सिर्फ आपका वार्म करने के लिए। उसके बाद हम करेंगे मेन एक्सरसाइज जो होगी हमारी लेग्स की, जो होगी हमारी काब्स की, और ये हमारी स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज होगी। जैसे ही आप एक लाइट वार्म कर लेंगे तो आपको इस पोजीशन में आ जाना है, अपनी दोनों लेग्स को ईच साइड को 10-10 रैप्स या 20-20 रैप्स अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे जनरली आपकी जो लोअर काफ है, लेग जो लात के नीचे वाली मसल होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन फील होगा, जिसकी वजह से आपकी नीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगला जो पोज है वो ये वाला है, इसमें आपके जो यहाँ से नी है इस नी को ऊपर वर्क होगा, और ऐसे ही आपको दूसरी साइड के नी के ऊपर भी यही सेम एक्सरसाइज करनी है। और ये भी आप 5 मिनट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें भी आपके दोनों नीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आप दोनों ईच साइड 5-5 सेट लगा सकते हैं, और अगर आपको इजी लगे तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। अगली जो एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स इसी में आते हैं। इसमें सिंपली आप बैठकर अपने लेग्स के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जैसे पिक्चर में दिखाई जा रही है, या फिर आप पिल्लो भी रख सकते हैं। आप जनरली रात को भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपली आपको लेटकर एक किसी एक साइड पे दोनों नीज के बीच में एक पिल्लो रख देना है और काम अपने आप होता रहेगा। और वैसे ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एक्सरसाइज हमारी स्पाइन के ऊपर भी वर्क करती है, जो हमारी हाइट भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ हमारे नॉक नीज को भी क्योर करेगी। ये आप 3 सेट ले सकते हैं, 1-1 मिनट का या 30-30 सेकेंड। दूसरा जो हमारा क्योर है वो है हॉर्स राइडिंग। जी हाँ दोस्तों, हॉर्स राइडिंग से आपको हफ्ते से पहले ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें जो हम बैठते हैं हमारा पोस्चर इस प्रकार होता है कि हमारे दोनों नीज के बीच में हॉर्स होता है, मतलब हमारे नीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इसके रिजल्ट सबसे बढ़िया और सबसे फास्ट दिखते हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग अफोर्ड कर सकते हैं या आपके आसपास कहीं हॉर्स राइडिंग अवेलेबल है तो आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए। इसके लिए आपको हॉर्स राइडिंग सीखनी ज़रूरी है, मतलब आपको एक नया टैलेंट भी मिल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आपको एक स्किल सीखने को मिल रही है जो आपको बेनिफिट करेगी ऑब्वियसली इन द फ्यूचर। आजकल हॉर्स राइडिंग काफ़ी स्कूल्स में भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वो इस फैसिलिटी को ज़रूर अवेल करें और उसका फ़ायदा उठाएं। फिर आते हैं जी हमारे वॉकिंग कैलिपर्स। ये सिंपली एक ऐसा ढांचा सा है जिसको हम अपने नीज पर डाल के हम इसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, वार्म वॉकिंग कर सकते हैं। इसको डेली और रेगुलरली यूज़ करने से हमारे नीज यूज हो जाते हैं और ये डायरेक्टली हमारे नीज को, चाहे वो बो लेग्स हो चाहे वो नॉक नीज हो, तो ये उन्हें हमारे नीज को उस अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं और टाइम टू टाइमली हमारी बॉडी के नीज इवॉल्व होकर एक नॉर्मल नी में आ जाते हैं। और इसके ऊपर ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से हमें लाखों डॉलर्स या लाखों पैसे नहीं खर्चने पड़ रहे। तो सिंपली ये है, इसका कॉस्ट पता नहीं कितना, आप वैसे अमेज़ॉन पर सर्च कर देख सकते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर है। अगला जो मेजर फैक्टर है वो है डाइट।
डाइट बहुत ही ज़रूरी है, और जो टीनेजर्स हैं उनकी डाइट में हर बैलेंस डाइट का हर एक चीज़ होनी चाहिए। अगर वो टीनेजर हैं तो उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, ऐसे ही अडल्ट्स की बॉडी के अकॉर्डिंग उनके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। फिर आता है हमारा वो पिल्लो वाला। ये पिल्लो वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने उन दोस्तों को जिनके नॉक नहीं थे, उन्होंने ऐसे ही पिल्लोज लिए, चाहे नेट से लो आप चाहे या फिर आप घर वाला पिल्लो ही यूज़ करीजिए। इन पिल्लोज़ को आप सोते समय अपने नीज के बीच में डालकर सो सकते हैं, और इससे आप बहुत ही जल्दी आपको हफ्ते के अंदर अंदर आपको फील होने लग जाएगा वो रिज़ल्ट, वो नॉर्मल नीज आपको, अब जब दौड़ते हो तो आपको फील होने लग जाएगा कि अब आपके नीज नहीं टकरा रहे, तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। अगला जो है ये है एक प्रिकॉशन जो आपको जल्दी ही अपनाना चाहिए, आपके आपको अपने पैर के अकॉर्डिंगली ही अपने के शूज़ चूज़ करने चाहिए आपके पैर की शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके फीट की शेप पे, और आपको ये ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको और टॉपिक्स जानने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।